हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान एग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसकी जांच किस तरह की जाती है। तो इसकी जांच करने के लिए एक सोनोग्राफी होती है, जिसे कि ओव्यूलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान आपको पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पर बुलाया जाता है और एग बनने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिन्हें कि ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स कहा जाता है। नॉर्मली ये दवाइयाँ थर्ड डे से स्टार्ट करके 5 दिन के लिए दी जाती हैं और 9th या 10th डे आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। यह स्कैन, जिसे कि ओवुलेशन स्टडी कहते हैं, ट्रीटमेंट करने वाले गायनेकोलॉजिस्ट खुद करना प्रेफर करते हैं और यह नीचे से यानी वजाइनली किया जाता है और इसमें कोई भी पेन नहीं होता है। जब 9th 10th डे हम पहली बार आपका स्कैन करते हैं, तो उसमें हम फॉलिकल, जिसे कि हिंदी में या आम भाषा में अंडे की साइज बोलते हैं, फॉलिकल का साइज देखते हैं। यदि यह 14-15 mm से कम है, तो फिर आपको और टैबलेट्स दी जाती हैं या इंजेक्शंस दिए जाते हैं और आपको उस साइज के आधार पर या तो नेक्स्ट डे या ऑल्टरनेट डे बुलाया जाता है, जब तक कि आपके फॉलिकल का साइज पूरा नहीं हो जाता, यानी 18-20 mm के बीच का नहीं हो जाता है। और इस सोनोग्राफी के दौरान फॉलिकल की साइज के साथ साथ आपका यूट्रस का इनर लाइनिंग, जिसे कि एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसी उसकी थिकनेस को भी देखा जाता है। यदि वह पतला है, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ ट्राई की जाती हैं, लेकिन वह 100% प्रूवन नहीं होती हैं। और जब आपका एंडोमेट्रियम और आपका फॉलिकल दोनों ही चीजें मैच्योर हो जाती हैं, तो एग रिलीज करने के लिए यानी ओव्यूलेशन कराने के लिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि HCG का इंजेक्शन होता है और इसे ट्रिगर कहा जाता है। इसी इंजेक्शन के 36 से 48 घंटे के बाद में ओव्यूलेशन होता है, इसलिए आपको इंजेक्शन के 48 आवर्स के बाद में लास्ट स्कैन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें यह कंफर्म किया जाता है कि आपका एग रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से यह फॉलिकुलर स्टडी कंप्लीट होती है और आपके एग रिलीज होने के 14 डेज के बाद में आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहा जाता है।